हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेक माय एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। तो दोस्तों देखिए आज कितना खुशनुमा माहौल है हमारे स्टूडियो के अंदर भी, और एक खूबसूरत सेट के ऊपर हम आ चुके हैं जहां पर आज मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स का डोज देने वाला हूं। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि आज का जो शो रहने वाला है वो मंथली करंट अफेयर्स मतलब मार्च महीने का पूरा करंट अफेयर्स आज हम आपको कराएंगे। जो हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स किया था करंट अफेयर्स द वेकअप शो के अंदर, उसी न्यूज को और इंपॉर्टेंट न्यूज को हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं, जहां पर बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स के अंदर बहुत सारे न्यूज को हमने कवर किया, जिससे एक रिवीजन हो जाए हमारी। और जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स भी आपको मंथली मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट के ऊपर, फरवरी महीने का भी हमने डाल चुके हैं, और अब हम मार्च महीने का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं सेगमेंट के थ्रू। और यहां पर इंग्लिश में वो सभी न्यूज रहेंगे, लेकिन मैं आपको शुद्ध हिंदी में, विशुद्ध हिंदी में उसको समझाने की कोशिश करूंगा अपने देसी अंदाज में। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे अंदाज में, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब और अस्सलाम वालेकुम। तो जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए और इस लाइव सेशन को और इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कि जिससे और भी स्टूडेंट्स जो है, जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर करंट अफेयर्स के आने का पूरी पूरी संभावना है, इसका फायदा उठा सके। तो जल्दी से बढ़ते हैं और बताइएगा आप कि आप, मैं और ये सेट जो है वो कैसा लग रहा है आपको, और बढ़ चलते हैं, समय जाया नहीं करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे न्यूज हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो उसको हम कवर करेंगे मार्च महीने की खबर को। और आज के न्यूज को, पर्टिकुलरली आज के न्यूज को, जैसे सलमान खान को सजा हुई है, मीराबाई चानू, और रिसेंटली अभी सिर्फ हाफ एन आवर अगो, आधे घंटे पहले संगीता चानू ने भी गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। संगीता चानू, मीराबाई चानू और सलमान खान को जेल हुई है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर कल हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आज मार्च महीने की खबर को हम जरूर करते हैं। तो यहां पर आपके व्यूज लेते हुए, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो आज का करंट अफेयर जो है, मतलब 6 ऑफ अप्रैल का और 7 अप्रैल का जो करंट अफेयर है उसे हम जरूर आगे लेकर आएंगे, लेकिन आप इस चीज से रूबरू हो जाइए कि मार्च का जो करंट अफेयर है उसे हमने जरूर करना है। तो बढ़ते हैं आज के इस सेगमेंट की तरफ, जहां पर हम मार्च महीने का करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले नेशनल न्यूज की तरफ चलेंगे और जानेंगे मार्च महीने में राष्ट्रीय खबरें, भारत की ताजा खबरें क्या क्या रही, और उसके बारे में पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल 2018। विजय माल्या, ललित मोदी और तमाम ऐसे भगोड़े अपराधियों के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव रखा है, और इस विधेयक का नाम क्या होगा, कैबिनेट अप्रूव्स फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल। फ्यूजिटिव का मतलब आर्थिक भगोड़ा, तो यहां पर आर्थिक अपराधी जो भाग जाते हमारे देश को छोड़कर, उसको पकड़ने के लिए और उनको ले आने के लिए हमारे देश के अंदर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, प्रत्यर्पण संधि और तमाम ऐसे कानून को लॉन्च करने के लिए ये बिल पेश किया गया लोकसभा, राज्यसभा, और बाद में राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ये कानून भी बन सकेगा। तो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू इंट्रोड्यूस द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल 2018 इन द पार्लियामेंट। द बिल एम्स टू डिटर इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फ्रॉम इवेडिंग द इंडियन लॉज बाय रिमेनिंग आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट्स। तो इसका मतलब यही हुआ कि जब वो भाग जाते हैं हमारे भारतीय न्याय क्षेत्र को छोड़कर, तो उनको किस तरह से डिटर किया जाए, उनको किस तरह से पकड़ा जाए और उनके ऊपर एक मामला चलाया जा सके। तो यहां पर इस बिल को पेश किया गया विजय माल्या केस के बाद, नीरव मोदी केस के बाद, ललित मोदी केस के बाद, इसको और ज्यादा स्ट्रांगली पेश किया गया लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अमा गांव अमा विकास प्रोग्राम इन ओडिशा। अमा गांव मेरा विकास, तो इस एम के साथ पीपल को जोड़ा, लोगों को जोड़ा रूरल एरियाज के अंदर, ओडिशा के अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को लेकर, तो विकास कार्यों को लेकर ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम रखा अमा गांव अमा विकास प्रोग्राम। तो विद एन एम टू इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज इन द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज लॉन्च अमा गांव अमा विकास प्रोग्राम। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक फ्लैग्ड ऑफ मोबाइल वीडियो वैन्स दैट विल मूव अक्रॉस द स्टेट टू हाईलाइट वेरियस वेलफेयर स्कीम्स एट विलेजेस इन द स्टेट। तो एक मोबाइल वैन मतलब एक ऐसी गाड़ी, और एक ऐसी गाड़ी जो वीडियो प्रदर्शित करेगी, उस गाड़ी के ऊपर तमाम वेलफेयर स्कीम ऑफ ओडिशा चलेंगे और लोगों को उनके विकास के बारे में लोगों को सम्मिलित करेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करिए और आपका गांव और आपका विकास जो है वो संभव हो सके। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अमा गांव अमा विकास किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, तो ओडिशा ने और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा। इंडियाज फर्स्ट
हेली टैक्सी सर्विस लॉन्च इन बेंगलुरु. देखिए ओला कैब और उबर कैब तमाम ऐसी चीजें हैं. टैक्सी के रूप में तो आप लोगों ने देखा होगा, एक असम के अंदर तो उन्होंने रिवर टैक्सी को भी शुरुआत किया ओला ने. और यहां पर ओला की बात नहीं हो रही है, हेलीकॉप्टर टैक्सी की बात हो रही है. इसकी भी शुरुआत हो चुकी है बेंगलुरु के अंदर. तो विद एन एम टू प्रोवाइड लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर शटल सर्विस हेली टैक्सी वॉज लॉन्च इन बेंगलुरु. तो भारत का पहला हेलीकॉप्टर टैक्सी, मतलब हेली टैक्सी जो है उसे बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है. और सर्विस को प्रोवाइड कौन करेगा, थम्बी एविएशन केरला का. तो केरला का थम्बी एविएशन जो है वो इस सेवा को प्रदान करेगा. और बेंगलुरु में पहला हेली टैक्सी जो है उसका उद्घाटन किया गया. देन शिग्मोत्सव सेलिब्रेटेड इन गोवा. गोवा के अंदर कल्चर और आर्ट को लेकर एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है शिग्मोत्सव. द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ द कोस्टल स्टेट नोन एज शिग्मोत्सव और शिग्मो हैज बीन सेलिब्रेटेड इन गोवा. तो गोवा के अंदर शिग्मो और शिग्मोत्सव के नाम से एक कल्चरल फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका अभी रिसेंटली सेलिब्रेशन किया गया गोवा के अंदर. द परेड इन द फेस्टिवल शो केस द गोवा लाइफ थ्रू फोक डांसेस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंसेज बाय द लोकल्स. तो वहां के जो लोकल्स हैं उनके द्वारा एक परेड का आयोजन किया गया, एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसे गोवा के रहने की कला और वहां के फोक डांसेस और वहां के कल्चर का एक प्रदर्शन किया गया इस परेड के थ्रू. तो आपको क्या याद रखना है, गोवा, गोवा के अंदर कौन सा फेस्टिवल मनाया गया, शिग्मोत्सव फेस्टिवल मनाया गया. तो गोवा के क्विक फैक्ट्स के बारे में आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहिए. गोवा की बात हुई, गोवा का क्विक फैक्ट्स लिखिए, गोवा के सीएम, गोवा की गवर्नर का नाम, गोवा की कैपिटल. ओडिशा की बात हुई है, ओडिशा के भी सीएम, गवर्नर का नाम और उनकी कैपिटल्स. तो आप इस तरह से इसकी डिटेलिंग करते रहिए, बीच बीच में मैं आपकी तरफ जरूर आता रहूंगा और आपके व्यूज भी लूंगा. न्यूज बहुत सारे हैं, खबरें बहुत सारी हैं, उसको कंप्लीट करने का जिम्मा आज हमारे ऊपर है, तो हमने जरूर करना है इसको. देन गवर्नमेंट अलोकेट्स रुपीज 1000 करोड़ फॉर रिसर्च अंडर इम्प्रिंट सेकेंड. तो इम्प्रिंट फर्स्ट के सक्सेसफुल होने के बाद इम्प्रिंट सेकंड का यहां पर 1000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया, 1000 करोड़ रुपीस का एक एलोकेशन किया गया है केंद्रीय सरकार के द्वारा. द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 1000 करोड़ फॉर द सेकेंड फेज ऑफ इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. आईआईटीज की मदद से, आईआईएससीज की मदद से, आईआईएम की मदद से यहां पर इम्प्रिंट, इम्प्रिंट का फुल फॉर्म क्या है, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. तो हमारे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों के विकास के लिए एक रिसर्च, एक शोध और एक इनोवेशन और एक टेक्नोलॉजी का संगम है इम्प्रिंट, जहां पर आईआईटीएंस, आईआईएम्स और आईआईसी के स्टूडेंट्स की और वहां के रिसर्चर्स की हेल्प ली जाती है कि किस तरह से भारत के उन क्षेत्रों का विकास हो सके जो विकास से अछूता है. तो यहां पर इम्प्रिंट का फुल फॉर्म आपको पता लग गया. इम्प्रिंट के अंदर केंद्र सरकार ने इम्प्रिंट टू फेज को, फेज सेकंड को कितने 1000 करोड़ दिए हैं, 1000 करोड़ रुपीज, 1000 करोड़ रुपया दिया है. इम्प्रिंट इंडिया प्रोग्राम इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ आईआईटीज एंड आईआईएससी फॉर डेवलपिंग रिसर्च इन हेल्थ केयर, आईसीटी, एनर्जी, नैनो टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा. तो इन इंस्टीट्यूट्स और इन रिसर्चर और इन स्टूडेंट्स की मदद ली जाएगी किस चीज के डेवलपमेंट के लिए, तो डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और सतत विकास और हैबिटेट के क्षेत्र में और जल संसाधन के क्षेत्र में मदद ली जाएगी और इसका विकास किया जाएगा. देन अगली खबर, नो इंडिया प्रोग्राम. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जो भारतीय मूल के लोगों के लिए ज्ञानवर्धक प्रोग्राम है, नॉलेजेबल प्रोग्राम है कि वो भारत को जाने. वहां के स्टूडेंट्स 18 साल से 30 साल के स्टूडेंट्स जो भारत के विकास और भारत के इतिहास से वंचित हैं उनको उसकी नॉलेज मिलनी चाहिए. तो ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, तो 40 पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के 40 प्रतिभागी फ्रॉम 9 कंट्रीज अटेंडेड द प्रोग्राम. मध्य प्रदेश वॉज द पार्टनर स्टेट फॉर दिस एडिशन. तो मार्च महीने में नो इंडिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया, मध्य प्रदेश को पार्टनर स्टेट बनाया गया. KIP नो इंडिया प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर. ये एक पहल है विदेश मंत्रालय के द्वारा, ये वाला प्रोग्राम, नॉलेज इंडिया प्रोग्राम फॉर द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोगों के लिए जिसका एज ग्रुप क्या है, 18 वर्ष से 30 वर्ष, 18 years to 30 years. तो उनको नॉलेज देना, इंडिया के बारे में बताना
इंडिया के इतिहास के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया के आर्ट्स के बारे में, सभी चीजों के बारे में बताना। तो यहाँ पे 40 पार्टिसिपेंट्स आए, नो इंडिया प्रोग्राम, तो आपको क्या याद रखना है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया और इसका पार्टनर स्टेट एमपी। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग लॉन्चेस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में बार बार अपने प्रोग्राम के अंदर बता चुका हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस ही होता है, लेकिन न्यू आइडियाज, इनोवेशंस और टेक्निक के साथ किया गया स्टार्ट आपका एक बिजनेस जो है उसे स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो महिलाओं के अंदर एक नए विचारों, नए आइडियाज और नई तकनीक के साथ अपने व्यापार को शुरू करने के लिए एक उत्साह की जरूरत है, एक एक्साइटमेंट की जरूरत है, एक पहल की जरूरत है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग के जरिए उनको प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही है। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग हैज लॉन्च्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑन 8 मार्च। तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर नीति आयोग ने एक वुमेन प्लेटफॉर्म की घोषणा करी जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन बिजनेस, बिजनेस वुमेन को हेल्प करेंगी। ऑन दिस ओकेजन सिंगर कैलाश खेर हैज संग एंड रिलीज द थीम सॉन्ग नारी शक्ति। और बहुत ही फेमस कैलाश खेर सिंगर ने यहाँ पे नारी शक्ति नाम के गाने का एक उद्घाटन भी किया। द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द वुमेन दैट विल हेल्प देम टू फुलफिल देयर एंटरप्रेन्योरल एस्पिरेशन बाय प्रोवाइडिंग देम अ कन्वीनियंट इकोसिस्टम। तो उनको एक ऐसा कन्वीनियंट माहौल देना जहां पर वो अपने एस्पिरेशन को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप दे सके और अपने एंटरप्रेन्योरल स्किल को यहां पर भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी कर सके। आगे बढ़ते हैं, विजन फॉर फ्यूचर हेल्ड इन न्यू दिल्ली विद एन एम टू कमेमोरेट 70 इयर्स ऑफ इंडिया रशिया रिलेशन एंड इवेंट विजन फॉर फ्यूचर वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। 70 वर्षों का रिश्ता बिटवीन भारत और रूस, तो उस भारत और रूस के रिश्ते को 70 वर्ष हो गए हैं, जिसको लेकर एक कमेमोरेट किया गया, एक इवेंट बनाया गया और इस इवेंट को आयोजित किया गया न्यू दिल्ली के अंदर, जिसका नाम रखा गया विजन फॉर फ्यूचर। द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किन्होंने किया? विदेश मंत्रालय ने। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि विजन फॉर फ्यूचर 70 इयर्स मार्क करता है किन दो देशों के रिलेशन को? और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजन फॉर फ्यूचर इंडिया रशिया का एक कॉमोमरेट है 70 इयर्स का, ये रिलेशन ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये दोनों बातें आपके सामने मौजूद हैं और ये आसान सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं, हरसिमरत कौर बादल स्टैब्लिशेज राजस्थान्स फर्स्ट मेगा फूड पार्क एट अजमेर। देखिए, मेगा फूड पार्क की शुरुआत 2014-15 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया गया था, जहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म किसानों को दिया जाएगा जो एक कॉमन जगह पर आकर अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके और खरीद सके और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। तो देश के अलग अलग हिस्सों में मेगा फूड पार्क का एस्टैब्लिशमेंट और गठन किया जा रहा है। जैसे रिसेंटली महाराष्ट्र के सतारा जिले के अंदर भी मेगा फूड पार्क खोला गया और राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा उद्घाटन किया गया राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर। और ये प्रोजेक्ट कितने का है? 113.57 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, जो 25,000 फार्मर्स को, किसानों को फायदा करेगा। 25,000 फार्मर्स जो है इससे बेनिफिट ले सकते हैं, अजमेर आपको याद रखना है। देन मध्य प्रदेश सीएम अनाउंसेस मुख्यमंत्री महिला कोष स्कीम। 50 वर्ष से अधिक की महिला जो अनमैरिड है या विडो है उनके लिए यहां पर पेंशन योजना की शुरुआत करी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री महिला कोष स्कीम को स्टार्ट किया गया है। 50 वर्ष से अधिक की अविवाहित महिलाओं को ये पेंशन दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आपको क्या याद रखना है, मुख्यमंत्री महिला कोष स्कीम को किस सरकार ने घोषित किया है और ये क्या चीज है? तो ये घोषित किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने और ये चीज ये है कि यहां पर 50 वर्ष से अधिक की महिलाओं को जो अनमैरिड है उनको पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट अलाउज पैसिव यूथेनेशिया, परोक्ष इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार और हमारी पर्सनल आजादी जो है, हमारा निजता जो है उसकी एक आजादी देता है आर्टिकल 21। तो उसी के अंदर राइट टू
राइट टू डाई विद डिग्निटी, आत्मसम्मान के साथ मरने का भी अधिकार दिया है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष। यहां पर एक्टिव यूथेनेशिया की इजाजत नहीं दी गई है, पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दी गई है कि अगर कोई भी पर्सन जीते जी अपना लिविंग विल तैयार करता है, अपनी जीते जी एक वसीयत तैयार करता है, जिसके अंदर अगर वो ये लिखता है कि अगर मेरे मतलब इस जीवन के दौरान ऐसा कोई वाक्या हो जाता है, कोई एक्सीडेंट या ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जो लाइलाज हो, उसका मेडिकली इलाज संभव ना हो, तो फिर मुझे मरने की इच्छा प्रदान की जाए, तो डॉक्टर की टीम बैठेगी, फिर वो डीसी को ऑर्डर भेजेगी और डीसी फिर एक मेडिकल की टीम गठित करेगी और उसके बाद ये आज्ञा प्रदान की जाएगी। और अगर मान लीजिए उन्होंने लिविंग विल नहीं तैयार किया है तो फिर उनके संरक्षक, उनके गार्डियन ये मंजूरी सेम उसी अथॉरिटी से ले सकते हैं जिससे हम ले सकते हैं। तो यहां पर राइट टू डाई विद डिग्निटी, पैसिव यूथनेशिया परोक्ष, इच्छा मृत्यु की इजाजत दी सुप्रीम कोर्ट ने। और 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेड बाय सीजीआई मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा हैज गिवन अ रूलिंग दैट अलाउड पैसिव यूथेनेशिया एंड राइट टू गिव एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स और लिविंग विल्स। तो यहां पर यह जरूर आपको समझ में आया होगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। राजस्थान असेंबली पासेस बिल फॉर डेथ पेनल्टी फॉर रेपिंग गर्ल्स बिलो 12। तो राजस्थान असेंबली ने, राजस्थान विधानसभा ने भी एक बिल पास किया है जैसा मध्य प्रदेश और जैसा हरियाणा ने किया कि अगर 12 वर्ष या 12 वर्ष से कम की लड़की के साथ बलात्कार जैसा घिनौना अपराध होता है तो उनको मौत की सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। उसके बाद अगली खबर, विंग्स इंडिया 2018 इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा विंग्स इंडिया 2018 एक द्विवार्षिक, बाइनियल का मतलब क्या होता है, दो वर्षों के बाद द्विवार्षिक एक इवेंट जो एरोस्पेस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन तेलंगाना। तो हैदराबाद द कैपिटल ऑफ तेलंगाना के अंदर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा एक इवेंट का आयोजन किया गया, एरोस्पेस इवेंट का, जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2018। इवेंट वॉज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा इसका संयुक्त आयोजन किया गया जहां पर देश और दुनिया भर के सिविल एविएशन इंडस्ट्री जो है वो आई थी। और भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री जो बहुत घाटे में चल रही है उसको किस तरह से उबारा जाए और किस तरह से नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, इन तमाम मुद्दों के ऊपर, तमाम इश्यूज के ऊपर यहां पर बातचीत हुई। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट कोस्टल पुलिसिंग एकेडमी इन गुजरात। तटीय सुरक्षा के लिए पहला कोस्टल पुलिसिंग एकेडमी जो है वो गुजरात में खुला। और गुजरात में खोलने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा समुद्र तट से लगती है। तो ये भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुजरात इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा सीमा जो है वो समुद्र तट से लगती है। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन स्टेट इज गुजरात। तो इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग NACP will be functional from April 2018. Academy will train police forces in maritime laws, navigation, weapons handling and survival skills for effectively safeguarding country's shoreline. तो यहां पर शोर्स की, तटों की रक्षा के लिए तमाम ऐसी चीजें, चाहे वो समुद्र का कानून की जानकारी हो उसकी ट्रेनिंग देने की जरूरत हो, नेविगेशन रास्तों को किस तरह से ढूंढा जाए उसकी जरूरत हो, वेपन्स हैंडलिंग हथियारों को किस तरह से हैंडल किया जाए, और सर्वाइवल स्किल, आपके अंदर एक दक्षता होनी चाहिए कि आप उन विषम परिस्थितियों के अंदर कैसे बच सकते हैं, उसकी सारी ट्रेनिंग इस NACP के अंदर दी जाएगी। फ्लोटिंग लैब सेटअप टू मॉनिटर लोकतक लेक। इंडिया का इकलौता और पूरे विश्व का इकलौता वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क और दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क लोकतक लेक में ही है, जिसका नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज इन मणिपुर, जो दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो लोकतक लेक का, लोकतक झील का ही हिस्सा है। तो यहां पर एक फ्लोटिंग लैब, एक लैबोरेटरी की सेटअप की गई है, द इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसर्चेस एंड सस्टेनेबल लैबोरेटरी इम्फाल हैज सेटअप अ फ्लोटिंग लैब ऑन लोकतक लेक फॉर मॉनिटरिंग इट्स वाटर क्वालिटी एंड फाइंड आउट द मेजर्स फॉर इंप्रूविंग इट। तो यहां पर एक मॉनिटरिंग के लिए, वाटर मॉनिटरिंग के लिए लोकतक लैब के ऊपर एक फ्लोटिंग लैब जो है वो उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, बायो रिसर्चर्स एंड सस्टेनेबल लैबोरेटरी IBSD के द्वारा। PM addresses the inaugural session of the End TB Summit. पूरे विश्व में TB, ट्यूबरक्लोसिस,
ट्यूबरकुलोसिस बीमारी को खत्म करने का जो एक टारगेट है वो 2030 है, लेकिन एंड टीबी समिट मतलब एंड खत्म करना टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी को खत्म करने का जो एक मिशन लेकर चली है केंद्र सरकार वो है 2025। तो फोकसिंग अपॉन इंडियाज प्री डिटरमाइंड टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025 PM Narendra Modi has addressed the inaugural session of the End TB Summit in New Delhi. India has set the target for elimination of TB by 2025 against the global target of 2030. So, विश्व का target है 2030 तक इसे खत्म करना और भारत एक target लेकर चला है कि 2025 तक TB को खत्म करना है. End TB program जिसका एक inaugural उद्घाटनी session जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे address किया, उसे सभी के सामने प्रस्तुत किया. देन कृषि उन्नति मेला दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया. द 3-day एनुअल कृषि उन्नति मेला विल बी ऑर्गेनाइज बिटवीन मार्च 16 से लेकर मार्च 18 मार्च 16 टू मार्च 18 एट पूसा न्यू दिल्ली. द इवेंट एम्स टू क्रिएट नेशन वाइड अवेयरनेस अबाउट द लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड रिसीव फीडबैक फ्रॉम द एग्रीकल्चरल कम्युनिटी दैट विल हेल्प इन डिजाइनिंग and shaping the future research strategy of the Indian Council of Agricultural Research. तो एक awareness के लिए ये मेला लगाया गया जहां पर किसान नई तकनीक के बारे में सीख सकें और अपने फसलों को किस नई तकनीक के साथ उगाना है और किस तरह से मुनाफे में आना है. तो कृषि जो है और farmers जो है और farming जो है वो किस तरह से उन्नति का मतलब development करे उसको लेकर ये तीन दिनी मेला जो है वो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया. अगली खबर की तरफ चलेंगे. गवर्नमेंट सेलिब्रेट्स वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2018. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राम विलास पासवान हैज लॉन्च्ड जागो ग्राहक जागो .gov.in पोर्टल फॉर कंज्यूमर सर्विसेज ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑन 15 मार्च 2018. तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में हमारे कंज्यूमर मिनिस्टर हैं उन्होंने यहां पर लॉन्च किया एक गवर्नमेंट पोर्टल जिसका नाम है जागो ग्राहक जागो .gov.in. किनके द्वारा? रामविलास पासवान जी के द्वारा. और ये सेलिब्रेट किया जाता है और पूरे वर्ल्ड वाइड 15 मार्च को. और इसका थीम क्या रखा? मेकिंग डिजिटल मार्केट्स फेयरर. तो डिजिटल मार्केट आज क्या टाइम जो है डिजिटल मार्केट ऑनलाइन मार्केट का टाइम है, तो इसको किस तरह से फेयरर रखा जाए. फेयरर का मतलब किस तरह से आप सभी के लिए एक फेयर चीज रख सकते हैं, मतलब यहां पर सभी के लिए एक इक्वालिटी रख सकते हैं, किसी के साथ बेईमानी ना हो और एक ईमानदारी के साथ डिजिटल मार्केट को चलाया जाए, इस चीज की पहल करी इस कंज्यूमर राइट्स डे के उपलक्ष्य में. अगली खबर, लक्ष्य प्रोग्राम अनाउंस बाय द गवर्नमेंट विद एन एम टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर इन लेबर रूम एंड मटर्निटी ऑपरेशन थिएटर्स. द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ प्रोग्राम लक्ष्य. तो यहां पे स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा जी जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया. उस प्रोग्राम का नाम आपको याद रखना है लक्ष्य रूप. यहां पर लेबर रूम का मतलब है जब माएं बच्चों को जन्म देती हैं उस लेबर रूम के अंदर, तो वहां पर इस तरह की सुविधा होनी चाहिए कि जिनसे माओं के मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बहुत कटौती की जा सके. तो यहां पर इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट एंड मॉर्बिडिटी रेट रोगों की संख्या और मृत्यु संख्या को कम किया जा सके लेबर रूम के अंदर. तो यहां पर भारतीय माओं को और उनके बच्चों को किस तरह से बचाया जा सके एक प्रोग्राम लेकर चलाया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, जिसका नाम क्या रखा है? लक्ष्य. तो यहां पर अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे. आयुष QOL2C तो विद एन एम टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कैंसर पेशेंट्स द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज हैज डेवलप्ड द कोड ड्रग आयुष QOL2C. CCRAS इज एन ऑटोनमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर प्रमोटिंग एंड फॉर्मुलेटिंग साइंटिफिक रिसर्च इन आयुर्वेदा. तो यहां पर आयुष ने एक बॉडी के साथ जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज है उनके साथ मिलकर कैंसर पेशेंट्स को लेकर एक कोड और एक ड्रग एक दवाई इशू किया जिसका नाम रखा है उन्होंने QOL2C, जहां पर कैंसर पीड़ित लोगों को आयुर्वेदिक सहायता जो है वो दी जा सके. देन जैक फ्रूट कटहल का जो एक फल है जिसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, तो जैक फ्रूट कटहल का जो एक फल है ऑफिशियल फ्रूट ऑफ केरला. तो आपको क्या याद रखना है? केरला का ऑफिशियल फ्रूट जो है वो क्या बना? जैक फ्रूट, जिसे हम हिंदी में कटहल का फल कहते हैं. तो यहां पे केरला गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड जैक फ्रूट एज द ऑफिशियल फ्रूट ऑफ केरला. 30 से 60 करोड़
कटहल की और जैक फ्रूट्स की खेती की जाती है, उसे उगाया जाता है प्रतिवर्ष केरला के अंदर पर ईयर. देन अगली खबर, CISCE रिड्यूसेस पास मार्क्स फॉर क्लास 10th and 12th. तो यहां पर काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द पास मार्क्स फ्रॉम 35% टू 33% एंड 40 टू 35% फॉर क्लास 10th एंड 12th रिस्पेक्टिवली. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 35% से 33% किया गया पास मार्क्स और 40% से 35% किया गया 12th का पास मार्क्स. ये किनके द्वारा किया गया अनाउंस? तो ये अनाउंस किया गया काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के द्वारा इसे घोषित किया गया. और न्यू रूल कब से एप्लीकेबल होगा? 2018 से एप्लीकेबल होगा. देन अगली खबर, पोषण अभियान इन न्यू दिल्ली. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय, जिनकी मंत्री कौन है? मेनका गांधी उनकी मंत्री है. उन्होंने एक नेशनल वर्कशॉप और एक मिशन जो है उसे स्टार्ट किया, जिसका नाम है पोषण अभियान एट प्रवासी भारतीय केंद्र इन न्यू दिल्ली. वर्कशॉप विटनेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज. तो यहां पर महिलाओं और बच्चों के अंदर जो कुपोषण है उसको दूर करने के लिए एक पोषण, एक न्यूट्रिशन जो है उसकी शुरुआत की गई है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा. देन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश प्लास्टिक पार्क इन झारखंड. तो झारखंड के देवघर, जहां पर बहुत ही प्रसिद्ध शिव जी का एक अब ज्योतिर्लिंग कह सकते हैं, वो है बाबा बैद्यनाथ जिसे हम बोलते हैं. तो देवघर के अंदर प्लास्टिक पार्क, झारखंड देवघर प्लास्टिक पार्क का उद्घाटन किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा. और ये प्लास्टिक पार्क एक नई संभावनाओं को जन्म देगा. तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, झारखंड का पहला प्लास्टिक पार्क कहां पर ओपन होगा? देवघर जिले के अंदर. देन इंडियन साइंस कांग्रेस 2019. देखिए, इंडियन साइंस कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस सभा जो है वो हर साल मनाया जाता है, उसका 105वां एडिशन अभी रिसेंटली मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में मनाया गया. 2018 का कहां पर मनाया गया? मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में. और 2019 का कहां मनाया जाएगा? तो 2019 का मनाया जाएगा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर. इस साल का मनाया गया मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में. अगले साल नेक्स्ट ईयर कहां मनाया जाएगा 106th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस? तो वो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी इन भोपाल, मध्य प्रदेश. और अगले साल का थीम क्या रहेगा? फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी. अगली खबर की तरफ चलते हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2018. तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज रिवील्ड द शेड्यूल ऑफ मच अवेटेड स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2018 विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम 27 यूटी यूनियन मिनिस्टर्स एंड 17 स्टेट गवर्नमेंट्स. मेगा इवेंट विल बी हेल्ड ऑन 30th एंड 31st मार्च साइमल्टेनियसली एट 28 नोडल सेंटर्स अक्रॉस इंडिया. द इवेंट एम्स टू प्रोवाइड. तो ये किस चीज के लिए है? तो एक मौका प्रदान करना है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स फॉर यूजिंग देयर क्रिएटिव स्किल्स टू सॉल्व इंडियाज डॉन्टिंग प्रॉब्लम्स. तो यहां पर हैकाथॉन का मतलब क्या है कि जो यहाँ के साइबर की दुनिया के लोग हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोग हैं, इस इवेंट का फायदा उठाकर, इस मौके का फायदा उठाकर आने वाली समस्याओं को दूर कर सकें और अपने इनोवेशन और आइडियाज का इस्तेमाल कर सके. माइनॉरिटी स्टेटस फॉर लिंगायत इन कर्नाटका. तो कर्नाटका के अंदर हिंदू से ही निकला हुआ एक माइनॉरिटी ग्रुप, जिसको वो बोलते हैं कि हमें एक अलग धर्म जो है वो मिलना चाहिए. तो यहां पर कर्नाटका के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है वो मान चुकी है इसके ऊपर, और उसके ऊपर प्रस्ताव भी लाने वाली है. रिस्पॉन्डिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नागमोहन दास कमेटी, कर्नाटका सरकार गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड लिंगायत एज द माइनॉरिटी कम्युनिटी. और स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हैज इश्यूड नोटिफिकेशन डिक्लेयर लिंगायत फॉलोअर्स ऑफ बसावा फिलोसफी एज अ रिलीजियस माइनॉरिटी. तो बसाव नाम के एक सोशल रिफॉर्मर जिनके द्वारा इस धर्म की शुरुआत की गई थी, इसको एक अलग धर्म की मान्यता देने की कवायद जो है वो शुरू की जा चुकी है कर्नाटका सरकार के द्वारा. फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट. तो यहां पे विद एन एम टू प्रिवेंट ड्रग अब्यूज अमंग यूथ. तो ड्रग्स का इस्तेमाल जो नौजवानों के द्वारा किया जा रहा है उसको बचाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ. ऑन ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट वॉज इनॉग्रेटेड एट न्यू दिल्ली. तो यहां कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली राजधानी के अंदर हुआ. द टू डे कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज बाय द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. कॉन्फ्रेंस वॉज मेनली फोकस्ड ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेन एंड साइबर. तो इस तरह की चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया, जहां पे ड्रग्स के इस्तेमाल को किस तरह से रोका जा सके और यूथ्स को किस तरह से बचाया जा सके, उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुआ जो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड बाय एनसीबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स.
The government of India signs host country agreement with ISA. International Solar Alliance, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को लेकर इंडिया ने होस्ट कंट्री का एक अग्रीमेंट साइन किया है और आपको बताते चले कि पूरे दुनिया का एक ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है, इंडिया में है और वो कहां पर है, गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव कहते थे, हरियाणा, इंडिया। तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके मेंबर्स कितने हैं, 121 मेंबर कंट्रीज है और 2015 पेरिस के अंदर एक समझौते के तहत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन हुआ था और इसका मुख्यालय कहां पर है, होस्ट कंट्री कौन होगा, इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा, गुरुग्राम, गुड़गांव, हरियाणा, इंडिया। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम हैज बीन ओपन्ड इन तमिलनाडु। इंसेक्ट, कीड़ों मकोड़ों के लिए, तितलियों के लिए, बटरफ्लाई के लिए पहला अजायब घर म्यूजियम जो है वो तमिलनाडु के अंदर खोला जाएगा, तमिलनाडु के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसका थीम क्या रखा गया है, बग्स आर किंग। तो देखिए, हमारे इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए इंसेक्ट्स का होना भी उतना ही जरूरी है जितने ह्यूमंस का होना जरूरी है। तो बग्स आर किंग्स, और पहला इंसेक्ट म्यूजियम इंडिया का वो कहां खुला, तमिलनाडु के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। मध्य प्रदेश हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल हैबिटेट्स इन इंडिया। मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा जनजातीय संख्या है, ट्राइबल जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, जो सबसे ज्यादा साफ पानी का इस्तेमाल करता है। तो मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ 55,000 फुली कवर्ड ट्राइबल हैबिटेशंस विद सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया, फॉलोड बाय ओडिशा एंड झारखंड। तो साफ पानी का इस्तेमाल करने वाले सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्याओं में मध्य प्रदेश नंबर वन पे, ओडिशा नंबर सेकंड पे और झारखंड कितने पे है, नंबर थर्ड पे। देन इंटरनेशनल न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, राष्ट्रीय खबरों के बाद अंतरराष्ट्रीय खबरों की तरफ बढ़ेंगे, कुछ और सेगमेंट्स रह गए हैं और मार्च की खबरें समाप्त हो जाएंगी और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। अब मैं आपके व्यूज की तरफ आता हूं और यहां पर एग्जैक्टली सभी स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप इसी तरह से मैं देखिए बिना नॉन स्टॉप मैं यहां पे नेशनल न्यूज को खत्म कर चुका हूं, अब मैं इंटरनेशनल न्यूज और फॉरेन अफेयर्स की तरफ चलूंगा। तो आपके सहयोग और आपके कोऑपरेशन की जरूरत है यहां पर कि आप इस लेक्चर को, इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ कि और स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़ सकें। तो बहुत बढ़िया, यहां पर बहुत बढ़िया, सभी का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत सही है। तो इंटरनेशनल न्यूज की तरफ चलते हैं, छोटी छोटी खबरें हैं, बहुत ही छोटे सेगमेंट में मैंने न्यूज को रखा है। जनवरी महीने की भी खबर आपको मिल जाएगी, जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फरवरी महीने का भी मिल जाएगा और मार्च महीने का आज तो हम कर ही रहे हैं। तो इसका पीडीएफ जो है और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा और टेलीग्राम के ऊपर भी आप इसका लिंक देख सकते हैं और मेक माई एग्जाम ब्लॉग के ऊपर भी इसका लिंक आप पा सकते हैं। तो यहां पर इंटरनेशनल न्यूज की तरफ चलते हैं। मार्शल आइलैंड दुनिया का पहला देश बना जिसने क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल टेंडर माना, मतलब उनकी संसद ने माना। उससे पहले वेनेजुएला की संसद ने नहीं माना था, लेकिन मार्शल आइलैंड जो है वो पहला देश बना जिसने क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल टेंडर माना है उसके संसद के द्वारा, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, सॉवरन, SOV उसका नाम रखा है। देन इराक इंडियाज बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। अगर आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया को सबसे ज्यादा तेल, ऑयल कौन सप्लाई करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, तो इराक वुड बी द आंसर, इराक उसका राइट आंसर होगा। मार्शल आइलैंड दुनिया का पहला देश जिसने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता प्रदान की, जिसका नाम उन्होंने रखा सोव, SOV, और इराक जो है इंडिया का बिगेस्ट ऑयल सप्लायर है। अगली खबर की तरफ चलेंगे। फर्स्ट इंडो फ्रेंच नॉलेज समिट इन न्यू दिल्ली। तो भारत का और फ्रांस का पहला नॉलेज समिट, एक सम्मेलन जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ और फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडो फ्रेंच नॉलेज समिट फॉर यूनिवर्सिटी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन वॉज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली। The two-day summit was organized by the French Embassy in India to promote common platform for increasing student mobility, enlarging R&D. तो यहाँ पर एक दूसरे के knowledge को समझने के लिए, culture, arts और education को समझने के लिए, scientific, technology और research को करने के लिए पहला भारतीय फ्रांस knowledge summit कहाँ पर हुआ? New Delhi के अंदर हुआ। India France to co-host International Solar Alliance Summit. तो इस साल का सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट कहां पर हुआ, तो वो भारत के राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर हुआ और वहां पर इंडिया और फ्रांस ने इसको कोहोस्ट किया, सह मेजबानी किसने करी, तो इंडिया और फ्रांस ने। तो हमारी तरफ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और फ्रांस की तरफ से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यहां पर
भागीदारी करी, सोलर एनर्जी और एफिशिएंसी को लेकर पूरी बातचीत हुई। देन कैबिनेट अप्रूवल फॉर एमओयू ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिटवीन इंडिया एंड ईरान। तो भारत और ईरान के मध्य ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो पुरानी मेडिसिन की पद्धति है जिसे हम आयुष भी बोलते हैं, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इन सभी चीज को प्रमोट करने के लिए, ट्रेडिशनल मेडिसिनल पद्धति को प्रमोट करने के लिए, एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति को फॉलो करने के लिए इंडिया और ईरान के मध्य एक समझौता हुआ। देन इंडिया सिक्योर 78th रैंक ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो यहां पर भारत एक रैंक के अंदर आया, 114 देशों की सूची में 78वें रैंक के ऊपर आया है। रिलीज्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, मतलब ऊर्जा के एक रैंक के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया, उस रैंकिंग में इंडिया का स्थान 78वां आउट ऑफ 114 कंट्रीज। नंबर वन पे नॉर्वे और नंबर वन पे स्वीडन, उसके बाद नॉर्वे, देन स्विट्जरलैंड। नंबर वन पे कौन सा देश रहा? स्वीडन, देन नॉर्वे, देन स्विट्जरलैंड। और इंडिया का रैंक 78 किस रैंकिंग में? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वाली रैंकिंग में। देन द फर्स्ट एवर विजिट ऑफ एन इंडियन प्रेसिडेंट टू मेडागास्कर। तो मेडागास्कर का यात्रा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बने हमारे रामनाथ कोविंद। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद हैज रीच्ड मेडागास्कर एज अ पार्ट ऑफ हिज टू नेशन स्टेट विजिट टू अफ्रीका एंड इंडियन ओशियन रीजन। With this, he has become the first Rashtrapati President of India to visit the country. There he has received the Grand Cross of the Second Class by the President of Madagascar, which is the highest honor given to a non-citizen by the country. So, यहाँ पर उनको Madagascar का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया और वो सम्मान का नाम Grand Cross of the Second Class. तो very important news. तो आप यहाँ पर इस चीज को जरूर जान सकते हैं। Then Philippines withdraws from International Criminal Court. तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट से फिलीपींस जो है अपना नाम विड्रॉ करा चुका है, नाम वापस ले चुका है। तो फिलीपींस हैज बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर बुरुंडी। तो बुरुंडी और फिलीपींस यही दो देश हैं जिन्होंने अपना नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से वापस ले लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैंने सभी न्यूज को कंपाइल्ड करके उन्हीं खबरों को स्थान दिया है और छोटे छोटे रूप में यहां पर मैंने जगह दी है, जिससे आपका ये सेशन जो है पूरे मार्च महीने की खबर अच्छे से रिवाइज हो जाए। आपको करना क्या है? तो सिर्फ आपको इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक भी करना है। तो यहां पर अगली खबर की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव डिस्कवर इन मेघालय। तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रेत का बना हुआ और बालू का बना हुआ जो केव है, गुफा है, वो क्रेमपुरी उसका नाम है। तो क्रेमपुरी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड इन द ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। तो मेघालय के ईस्ट खासी हिल जिले के अंदर दुनिया का सबसे लंबा एक सैंडस्टोन केव, एक गुफा जो है, उसे खोजा गया, जिसका नाम है क्रेमपुरी। और इसका लेंथ कितना है? तो लगभग 24 किलोमीटर का, 24.5 किलोमीटर का, 24.583 किलोमीटर का इसका रेंज है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रिंट बाइनले इंडिया 2018, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ ग्राफिक प्रिंट्स। तो प्रिंट बाइनले इंडिया 2018 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। बाइनले का मतलब क्या होता है? बाइनले का मतलब होता है एक बहुत बड़े आर्ट और एक बहुत बड़े कल्चरल फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन जो हर दो वर्ष के बाद होता है। तो पहला एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एग्जीबिशन ग्राफिक प्रिंट्स, प्रिंट बाइनले इंडिया 2018, वो कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ, जिसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? ललित कला अकेडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। 200 से ज्यादा ओरिजिनल प्रिंट थे यहां पर और आर्ट और क्राफ्ट का यहां पर प्रदर्शन किया गया। और कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया? यूएसए, चाइना, इटली, यूके, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस एंड बांग्लादेश। तो इसी वजह से यह खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। देन कूल ईएमएस सर्विस बिटवीन इंडिया एंड जापान। कूल का मतलब ठंडा और ईएमएस मतलब एक्सप्रेस मेल सर्विस। तो पहला इस तरह का एक सर्विस जो है हमने इंडिया और जापान के मध्य समझौता हुआ है कि अगर आपको जापानी खाना, जैसे अगर आपको सुशी खाना बहुत ही फेमस है जापान का, अगर वो आपको मंगाना है जापान से तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं इस सर्विस को लेकर, और एक रेफ्रिजरेटर वाले कूल बॉक्स के अंदर वो खाना बहुत ही सुरक्षित आपके लिए आ सकता है और वो काफी दिनों तक बिल्कुल सहेज कर और संभाल कर रखा जा सकता है। तो कूल ईएमएस सर्विस बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो यहां पर अगर जापानीज फूड को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर कूल ईएमएस सर्विस की शुरुआत हो चुकी है जो इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर अभी तक मौजूद है। तो यहां पर न्यू दिल्ली के अंदर ये सर्विसेज होगी जहां पर स्पेशल बॉक्सेस के अंदर, कूल बॉक्सेस के अंदर वो खाना सुरक्षित रहेगा काफी दिनों तक। इंडिया जापान कूल ईएमएस
आपको याद रखना है. अगली खबर जाएंगे हम बैंकिंग और फाइनेंस. तो अगला सेगमेंट क्या है, वित्त समाचार और बैंकिंग की खबरें. तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से न्यूज है. इंडिया बिकम्स मेंबर ऑफ यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक. तो ईबीआरडी, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ईबीआरडी का हेडक्वार्टर, ईबीआरडी कब स्टैब्लिश हुआ था और ईबीआरडी की अध्यक्षा का नाम बताइए जो एक इंडियन है. जल्दी से मुझे आपने बताना है ईबीआरडी की डिटेलिंग. और यहां पर मैं आपको इस खबर के बारे में समझा देता हूं कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम द 69th मेंबर ऑफ द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ईबीआरडी का फुल फॉर्म यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. उनका 69वां सदस्य बना है इंडिया. और फॉर्मल मेंबरशिप प्रोसेस विल नाउ गेट अंडर वे विच इंक्लूड द परचेज ऑफ शेयर्स बाय इंडिया एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अराउंड 1 मिलियन यूरोस. तो यहां पर इंडिया को बहुत सारा फायदा मिलेगा इस ईबीआरडी बैंक के अंदर 69वां मेंबर बनने से. और आपको यहां पर बताना है एग्जैक्टली ईबीआरडी की पूरी डिटेलिंग कर दीजिए. ईबीआरडी का हेडक्वार्टर कहां पर है, ईबीआरडी स्टैब्लिश कब हुआ था और ईबीआरडी की प्रेसिडेंट का नाम बताना है जो भारतीय मूल की है. जल्दी से बताइएगा इसका आंसर. अगली खबर की तरफ चलेंगे. आईएसए, एडीबी, एनडीबी, एएफडीबी एंड एआईआईबी फाइनेंशियल पार्टनरशिप. तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को मजबूत बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड्स हैव साइंड अ जॉइंट फाइनेंशियल पार्टनरशिप डिक्लेरेशन इन न्यू दिल्ली. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ज्वाइंट डिक्लेरेशन इज टू एनहांस देयर कोऑपरेशन फॉर सपोर्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी. तो नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को मजबूत बनाने के लिए इन सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जितनी भी फाइनेंशियल संगठन है उनके बीच में ये समझौता हुआ है अलॉन्ग विद ISA. देन IBBI inks MOU with RBI. Insolvency and Bankruptcy Board of India has signed a memorandum of understanding with Reserve Bank of India for enhancing the cooperation in the effective implementation of insolvency law. Insolvency law और IBBI का काम क्या है, दिवालिया कानून. जो कंपनी, जो लोग और जो persons अगर दिवालिया हो जाते हैं, बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं, तो यहां पर उसी चीज को जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करने के लिए कानून और एक बोर्ड जिसका नाम क्या है, IBBI. तो उन्होंने आरबीआई को जल्दी से जल्दी हेल्प करने के लिए ये एक समझौता किया है आईबीबीआई और आरबीआई ने. एम ऑफ द एमयू, इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, टू एड्रेस द इश्यू ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन इंडिया. तो यहां पर वही बात है कि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ऑब्वियसली बैंक वहां पर कमजोर होगा, बैंक का पैसा लेकर वो भागा होगा. तो यहां पर बैंक और ज्यादा एनपीए ना झेले और उनको और ज्यादा नुकसान ना हो, तो यहां पर आईबीबीआई और आरबीआई ने यह समझौता किया है. अगली न्यूज की तरफ चलेंगे. गवर्नमेंट साइंड $120 मिलियन लोन अग्रीमेंट विद एडीबी फॉर रेलवे. तो रेलवे के लिए, मतलब भारतीय रेलवे के एनहांसमेंट, उनके ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने $120 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट किया है एडीबी के साथ. एडीबी की क्विक फैक्ट बता दीजिए. और यहां पर बिल्कुल सही स्टूडेंट्स का आंसर, एग्जैक्टली शेख हासिया जी, मैं टैक्सेस और सब्सिडीज के ऊपर भी लेक्चर जरूर दूंगा. मैंने आपका यहां पर सजेशन बिल्कुल कंसिडर कर लिया है. और एग्जैक्टली तो सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही है. ईबीआरडी स्टैंड फॉर इकोनॉमिक बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ईबीआरडी स्टैंड फॉर यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, लंडन, यूके. 1991 में ये एस्टैब्लिश हुआ और इनकी प्रेसिडेंट का नाम है सुमा चक्रवर्ती. सुमा चक्रवर्ती इनकी प्रेसिडेंट का नाम है. और एडीबी की क्विक फैक्ट्स जो है आप बता दीजिए. एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में जितना आप जानते हैं वो बताइए आपको. और ये न्यूज जो है, विद एन एम टू इंप्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द इंडियन रेलवेज, द यूनियन गवर्नमेंट हैज साइंड $120 मिलियन जो है वो एडीबी के साथ हमने साइन किया. तो ये क्या करेगा, ये मनी जो है, ये लोन जो है, ये किस चीज के यूटिलिटी में लाया जाएगा, बिल्डिंग डबल ट्रैक्स बनाए जाएंगे, लाइंस बनाए जाएंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा रेलवे ट्रैक्स का, और डेंसिटी कॉरिडोर्स और कॉरिडोर्स जो है, रेलवे कॉरिडोर्स जो है उसको और बढ़ाया जाएगा. इस चीज के लिए एडीबी के साथ भारतीय सरकार ने यह समझौता किया है. देन हिमाचल प्रदेश गॉट $80 मिलियन लोन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक. इसी वजह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की डिटेल के बारे में पूछा. इंडियन रेलवे के साथ तो समझौता किया ही है, लेकिन यहां पर हिमाचल प्रदेश के साथ भी
$80 मिलियन का एक समझौता हुआ है, एक लोन समझौता हुआ है बिटवीन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड हिमाचल प्रदेश। और ये लोन समझौता क्यों हुआ है, तो वहां के स्टेट के अंदर, हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर, वहां के युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए, यूथ को इंप्लॉय करने के लिए ये लोन लिया गया है, जहां पर उनको वोकेशनल, एजुकेशनल और ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके साथ एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा हिमाचल में, जहां पर उनके युवाओं को रोजगार मिल सके। देन नियुक्ति की खबर की तरफ चलेंगे। अब छोटी छोटी खबरें रह चुकी हैं, जिससे आज का सेशन बहुत जल्दी से समाप्त हो जाएगा। और अपॉइंटमेंट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। नेफ्यो रियो अपॉइंटेड एज नागालैंड सीएम। नागालैंड के सीएम कौन बने, तीन राज्यों में चुनाव हुए मार्च के महीने में, रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद नागालैंड के सीएम नेफ्यो रियो, त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देव और मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा। तो नोट डाउन कर लीजिए इन चीजों को, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। देन विवेक वाडेकर अपॉइंटेड एज न्यू स्पेशल डायरेक्टर इन द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो फेमा के अंदर काम करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर काम करता है, तो यहां पर उसके अंदर एक स्पेशल डायरेक्टर के पोस्ट के ऊपर किन की अपॉइंटमेंट हुई है, तो विवेक वाडेकर की अपॉइंटमेंट हुई है। देन विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उबर इंडिया का। उबर टैक्सी, जो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनी, उसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली, जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, उनको बनाया गया है। अगली खबर की तरफ, कृष्णा कुमारी कोहली फर्स्ट इलेक्टेड हिंदू वुमेन टू पाकिस्तान सीनेट। तो पाकिस्तान के संसद में पहली हिंदू महिला कृष्णा कुमारी कोहली जो है वो नामित की गई है। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करती हैं, सिंध प्रांत से बिलोंग करती हैं ये पाकिस्तान के। अगली खबर, शी जिनपिंग बिकम्स लाइफ टाइम प्रेसिडेंट। तो जो हमारे पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, जिसका नाम है चाइना, और चाइना के लाइफ टाइम प्रेसिडेंट, लाइफ टाइम मतलब पूरी जिंदगी के लिए, जब तक वो जीवित हैं तब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे चाइना के, जिनका नाम क्या है, शी चिनफिंग भी बोलते हैं या शी जिनपिंग भी बोलते हैं। और डीडी वन की एक एंकर ने शी जिनपिंग को, उन्होंने क्या बोल दिया था, 11 जिनपिंग, उनको बर्खास्त कर दिया था। शुक्र है मुझे जानकारी है कि इनका नाम शी जिनपिंग है, ना कि 11 जिनपिंग है। रोमन में 11 लगता है ना, तो 11 बोल दिया था और उनको बाहर निकाल दिया गया था। खैर, यहां पर मैंने सही बोला है और मेक माई एग्जाम जो है मुझे बरकरार रखेगा। तो शी जिनपिंग बिकम लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। देन प्रकृति टू बी फर्स्ट ITBP वुमेन कॉम्बैट ऑफिसर। तो देखिए, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की पहली वुमेन, पहली महिला कॉम्बैट का मतलब लड़ाई युद्ध, कॉम्बैट ऑफिसर। निचले रैंक के ऊपर बहुत महिलाएं रही हैं ऑलरेडी ITBP के अंदर, लेकिन ऑफिसर रैंक के ऊपर पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर कौन बनी है, प्रकृति बनी है। तो 25 years old प्रकृति हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी डायरेक्टली इंडक्टेड एज अ कॉम्बैट ऑफिसर इन द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। देन सुरेश प्रभु अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। तो देखिए, कल भी हमने बात करी थी अशोक गजपति राजू, आंध्र प्रदेश के विशेष राज्य के मुद्दे के ऊपर, स्पेशल स्टेटस ऑफ आंध्र प्रदेश के इशू के ऊपर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो उनके हटने के बाद एक एडिशनल चार्ज दिया गया सुरेश प्रभु को एज अ मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर। और उसके साथ साथ उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग का मंत्रालय भी उनके पास है, अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। देन पुतिन री इलेक्टेड एज रशियाज प्रेसिडेंट। और एक और पड़ोसी मुल्क रशिया, और जो हमारा दोस्त भी है, जिसके साथ 70 वर्ष का हमारा एक रिश्ता है, तो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, दोबारा से 6 वर्षों के लिए री इलेक्ट किए गए हैं, दोबारा से चुने गए हैं। देन मार्टिन विस्कारा पेरूज न्यू प्रेसिडेंट। तो पेरू एक देश जो साउथ अमेरिका में है, और पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, मार्टिन विस्कारा। देन कर्नाटका नेम्स राहुल द्रविड़ एज द इलेक्शन आइकन फॉर द अपकमिंग इलेक्शन। तो कर्नाटका में जो आगामी चुनाव आने वाले हैं, फोर्थ कमिंग इलेक्शंस जो आने वाले हैं, उसको लेकर स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया गया है, एक चेहरा बनाया गया है, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आए कि वो वोटिंग की तरफ जाएं। कर्नाटका नेम्स राहुल द्रविड़ एज द इलेक्शन आइकन फॉर द अपकमिंग इलेक्शन। राहुल द्रविड़, जिसे एक वॉल कहा जाता है क्रिकेट का, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, और अंडर 19 क्रिकेट टीम के, भारतीय टीम के कोच भी हैं, जिन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड कप जीता। तो ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, और अब कोच की भूमिका में आ रहे हैं ये, और आ चुके हैं, और इन्होंने वर्ल्ड कप भी जिता दिया अंडर 19 क्रिकेट टीम को, और इनको कर्नाटका इलेक्शन का स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया गया है। देन विन मिंट हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। तो देखिए, पूर्व राष्ट्रपति तिन किया
के स्वास्थ्य को लेकर जो एक खबर चली थी जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार जो हमारा एक और पड़ोसी मुल्क, तो म्यांमार के पूर्व राष्ट्रपति तिन क्या जो एक बीमारी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वहां के नए राष्ट्रपति कौन बने म्यांमार के, जिसे पहले बर्मा बोला जाता था, विन मिंट। देन इंडस भूटान हैज बीन अपॉइंटेड एज सी और इंदु भूषण। देखिए भूटान यहां पे लिखा है, एक हम कह सकते हैं प्रिंटिंग एक टाइपिंग एरर है यहां पर, इंडस भूटान मत याद रखिएगा, इंदु भूषण जरूर इसे करेक्ट कर लीजिए प्लीज, मैं बार बार इस वर्ड को बोल रहा हूं, इंदु भूषण। तो इंदु भूषण हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत मिशन। तो देखिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत मिशन, जिसका अंग्रेजी में नाम है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम और इसे कॉमनली मोदी केयर के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल ने इस स्कीम से अपना नाम वापस ले लिया और प्रति परिवार पर ईयर पर फैमिली 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस इसके अंदर दिया गया है आयुष्मान भारत स्कीम। उसके सीईओ कौन बनाए गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंदु भूषण। तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, इंडस भूटान नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इंदु भूषण बोलेंगे, इंदु भूषण न्यू सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत मिशन। देन लेफ्टिनेंट जनरल गुरपाल सिंह अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड। तो डायरेक्टर जनरल के तौर पर गुरपाल सिंह जो है एल्यूमिनी ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, उनको जितने भी बॉर्डर के ऊपर रोड्स बनाए जाते हैं, सड़क बनाए जाते हैं, वो किनके द्वारा बनाए जाते हैं, तो बोर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ बोर्ड रोड, तो बोर्ड बॉर्डर रोड के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया जाता है और गुरपाल सिंह जो है इनके न्यू लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं, न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ बोर्ड बॉर्डर रोड। देन शेखर कपूर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल पैनल ऑफ 65th नेशनल फिल्म अवार्ड। 1954-55 से नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जा रहा है और राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2018 के लिए एक पैनल, एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के चेयरमैन कौन है, शेखर कपूर, बहुत ही फेमस फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर को 65 नेशनल फिल्म अवार्ड पैनल का चेयरमैन बनाया गया है। अगली खबर की तरफ चलेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली चलिए हरपाल सिंह, जरूर इनका नाम हरपाल सिंह है और एग्जैक्टली ADB stands for Asian Development Bank, established 66 और इसका हेडक्वार्टर मनीला में है और इसके तकी ही को नकाओ जो है इनके प्रेसिडेंट का नाम है। तो बिल्कुल सही आप सभी का उत्तर और हरपाल सिंह, माफ करिएगा टाइपिंग एरर फिर से आ गई वहां पर, हरपाल सिंह इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड जो है, बॉर्डर रोड जो है जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ DGBR और बॉर्डर रोड जो है वो हमारे इंडिया के जितने भी बॉर्डर्स के ऊपर, सीमाओं के ऊपर सड़क का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया जाता है और डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। तो आगे बढ़ते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ, रशिया सक्सेसफुली लॉन्चेस किंजल मिसाइल। तो रशिया ने MiG-31 सुपरसोनिक इंटरसेप्टर जेट जो है और उसके ऊपर से एक मिसाइल जो है हाइपरसोनिक मिसाइल उसको लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, किंजल मिसाइल। देन इंडियन साइंस कांग्रेस इन इम्फाल, जैसा मैंने बताया 105th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस कहां पर हुआ, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में और 106th एडिशन कहां पर होना है, भोपाल के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के अंदर और इस साल का थीम क्या रखा गया, रीचिंग द अनरीच थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगली खबर की तरफ चलेंगे, 6th फाउंडेशन डे ऑफ बिराक, द बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बिराक हैज सेलिब्रेटेड इट्स 6th फाउंडेशन डे इन न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज इनॉगरेटेड द इवेंट विच विटनेस्ड पार्टिसिपेशन फ्रॉम द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल फ्रटर्निटीज बोथ फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड और इसका थीम क्या रखा गया, सस्टेनिंग इनोवेशन अ मार्केट ड्रिवन पाथवे। तो यहां पर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड और उसकी रिसर्च को लेकर एक 6th फाउंडेशन डे कहां पर मनाया गया, न्यू दिल्ली में, उद्घाटन किन्होंने किया, हर्षवर्धन जी ने किया और इसका थीम क्या रखा गया, सस्टेनिंग इनोवेशन अ मार्केट ड्रिवन पाथवे। देन अगली खबर की तरफ चलेंगे, इंडियन नेवी टू होस्ट वरुणा विद फ्रांस। तो इंडियन नेवी एक नेवल एक्सरसाइज करती है फ्रांस के साथ और उसका 16th एडिशन जो है उसका नाम क्या है, वरुण, वरुण देवता, जल देवता वरुण नाम से आपको याद हो जाएगा। तो 16th एडिशन ऑफ द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, तो उसका नाम क्या है, वरुण और ये होस्ट क्या किसके द्वारा किया जाएगा, इंडिया के द्वारा और ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और सदर्न वेस्टर्न इंडियन ओशन। तो सबसे पहले अरेबियन सी से इसको स्टार्ट किया गया है, बाद में इसको हम सदर्न वेस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ लेकर जाएंगे और बाद में आखिर में बंगाल की खाड़ी की तरफ भी ये एक्सरसाइज होगी। तो 3 जगहों पर ये एक्सरसाइज होगी जिसका पहला पार्ट
अरेबियन सी में किया जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, जिसका नाम है वरुण, नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, 16th एडिशन वरुण. देन ब्रह्मोस मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विद इंडिजीनियस सीकर ब्रह्मोस वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एट द पोखरण रेंज इन राजस्थान. तो ब्रह्मोस मिसाइल को राजस्थान पोखरण रेंज से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया और इंडिया भारत पहला देश बना जो तीनों सेनाओं के द्वारा उन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के द्वारा. और अगली खबर की तरफ चलेंगे, चंद्रयान 2 पोस्टपोन. तो इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 का सेकेंड मिशन जो है वो पहले अप्रैल में होना था, लेकिन अब उसको पोस्टपोन करके अक्टूबर नवंबर तक ले जाया गया है. तो चंद्रयान 2 अप्रैल से पोस्टपोन होकर कहां पे चला गया है, अक्टूबर नवंबर में होगा चंद्रयान 2 मिशन. देन अ न्यू ऑर्गन इंटरस्टीटियम हैज बीन डिस्कवर्ड इन ह्यूमन बॉडी. देखिए, वैज्ञानिकों ने एक नए अंग की खोज करी है. तो त्वचा के ठीक नीचे एक नया अंग जो टिश्यू, उत्तकों और फ्लूइड से मिलकर बना हुआ है, जिसका नया नाम क्या है, इंटरस्टीटियम. और वैज्ञानिक ये भी शोध कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये शरीर का सबसे बड़ा अंग भी हो सकता है. वैसे फिलहाल अभी शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, स्किन है, लेकिन मे भी आने वाले समय में इंटरस्टीटियम को लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी की संज्ञा दी जा सकती है. लेकिन आपको क्या याद रखना है कि एक न्यू ऑर्गन, एक नया अंग खोजा गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम है इंटरस्टीटियम, जो त्वचा के ठीक नीचे टिश्यूज, उत्तकों और फ्लूइड के रूप में होती है, जो जोड़ों को, त्वचा को और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करती है, इंटरस्टीटियम. देन आगे बढ़ते हैं, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अर्थ साइज प्लैनेट नेम्ड K2-229b. तो विद द हेल्प ऑफ केपलर 2 टेलीस्कोप साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड हॉट मेटेलिक अर्थ साइज प्लैनेट लोकेटेड 260 मिलियन लाइट ईयर्स अवे. तो 260 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर बिल्कुल धरती के साइज का एक प्लैनेट ढूंढा गया केपलर 2 नाम के टेलीस्कोप के द्वारा, और इसका नाम क्या रखा है, K2-229b. देन आगे बढ़ते हैं, नासा टू सेंड इट्स फर्स्ट मिशन टू स्टडी हार्ट ऑफ मार्स. तो मार्स के कोर स्टडी के लिए, मार्स की डिटेल स्टडी के लिए, हार्ट, हार्ट का मतलब मार्स का दिल, दिल का मतलब कोर स्टडी के लिए नासा ने एक मिशन भेजा है जिसका नाम इनसाइट होगा, और इनसाइट जो है मार्स के हार्ट की स्टडी करेगा. तो नासा के द्वारा इसको भेजा गया. नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका. तो यहां पर इंपॉर्टेंट डेज की तरफ आ चुके हैं, 3rd March वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे. तो देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, और हमारे इंडिया में भी वाइल्ड लाइफ एक्ट, जिसके तहत कल आप लोगों ने सुना होगा बहुत बड़ी खबर, जहां पर काला हिरण शिकार के मामले में टाइगर को सजा हो गई. टाइगर, मेरा इशारा आप समझ रहे हैं, सलमान खान को सजा हो गई 5 वर्ष की, और 10,000 का जुर्माना भी लगा उनको. अभी जेल में वो फिलहाल वक्त बिता रहे हैं. तो ब्लैक बक जो है, एक आप कह सकते हैं एक ऐसा जानवर जिसकी रक्षा करना भारतीय सरकार और स्टेट की ड्यूटी है. तो यहां पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो मनाया जाता है, और वो मनाया जाता है एवरी ईयर ऑन 3rd March. और इस साल का थीम क्या रखा, बिग कैट्स प्रीडेटर्स अंडर थ्रेट. बिग कैट्स का मतलब बाघ, शेर, इन सभी चीजों से लिया है. बिग कैट्स प्रीडेटर्स अंडर थ्रेट. प्रीडेटर्स का मतलब शिकारी एक डर के अंदर है, मतलब आज उन शिकारी जिसको एक नेचुरल शिकारी बोला जाता है, वो आज ह्यूमन शिकारियों के द्वारा शिकार किए जा रहे हैं. इसी वजह से एक थीम रखा गया कि बिग कैट्स जो है, जो बाघ हैं, जंगली बाघ हैं, वो आज की डेट में एक शिकार के तौर पर, एक थ्रेट के तौर पर, एक डर के तौर पर है, जहां पर उनको बचाया जाना एक इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी की जरूरत भी है. देन 8th March इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया, जिसका थीम क्या रखा गया, टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स लाइफ. टाइम इज नाउ, थीम क्या रखा गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स लाइफ. देन 22 मार्च 22nd March वर्ल्ड वॉटर डे. तो यहां पे विश्व जल दिवस कब मनाया गया, 22 मार्च को, और इसका थीम क्या रखा गया, नेचर फॉर वाटर, एक्सप्लोरिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन टू द वाटर चैलेंजेस द वर्ल्ड फेसेस इन द 21st century. और इसका छोटा थीम क्या है, नेचर फॉर वाटर. देन 23rd March वर्ल्ड मिटीरियोलॉजिकल डे. द वर्ल्ड मिटीरियोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 23rd March एवरी ईयर, और इसका थीम क्या रखा गया है, तो वेदर रेडी क्लाइमेट स्मार्ट. तो वेदर, मिटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, मौसम विभाग को हम मिटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, और इसका थीम क्या रखा, वेदर
रेडी क्लाइमेट स्मार्ट, और 23 मार्च 1931 को ही शहीद हुए थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो 23 मार्च को शहीदी दिवस भी मनाया जाता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का। और इस साल यूथ एम्पावरमेंट डे भी मनाया पंजाब सरकार ने, 23 मार्च को यूथ एम्पावरमेंट डे। देन आगे बढ़ेंगे, 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी डे 24 मार्च, और इसका थीम क्या रखा, वांटेड लीडर्स फॉर अ टीबी फ्री वर्ल्ड। तो मतलब वांटेड किनको, ये इनको क्या चाहिए, एक नेतृत्व चाहिए, इनको एक नेता चाहिए जो टीबी को खत्म कर सके पूरे विश्व से। और यहां पर स्पोर्ट्स न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, खेल के समाचार की तरफ बढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया कि आने वाले वेकअप शो के अंदर संगीता चानू, मीराबाई चानू, इन सभी के बारे में बताऊंगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर दो गोल्ड मेडल ऑलरेडी हम जीत चुके हैं। अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट इन मलेशिया, मलेशिया अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट करवाता है, और इस साल का अजलान शाह हॉकी कप के अंदर चैंपियन कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया, और हारा कौन, इंग्लैंड। तो चैंपियन ऑस्ट्रेलिया रहा अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट मलेशिया के अंदर। देन इंडिया विंस स्नूकर वर्ल्ड कप 2018, तो स्नूकर बिलियर्ड्स का वर्ल्ड कप किसने जीता, इंडिया ने जीता, और किसको हराया, तो उन्होंने हराया पाकिस्तान को 3-2 से इन द बेस्ट ऑफ 5 फाइनल। देन अंजुम मोदगिल विन सिल्वर इन आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, तो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग वर्ल्ड कप जो है वो मेक्सिको के ग्वादलाजारा में हुआ, जहां पर हमारे इंडियंस ने मेडल टैली को टॉप किया। मनु भाकर का नाम, अंजुम मोदगिल का नाम, और ऐसे तमाम नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। शूटिंग वर्ल्ड कप इंडिया मेडल टैली में टॉप रहा, अंजुम मोदगिल ने सिल्वर जीता, मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीता। देन अगली खबर की तरफ चलेंगे, और यहां पर लोकेश राहुल फर्स्ट इंडियन टू बी आउट इन आउट हिट विकेट इन T20 क्रिकेट। तो T20 क्रिकेट के अंदर लोकेश राहुल पहले भारतीय बने जो हिट विकेट का शिकार हुए। देन एला वेनिल वलारिवन क्लिंचेस गोल्ड इन एयर राइफल जूनियर ISSF वर्ल्ड कप, तो जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप कहां पर चल रहा है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वहां पर एला वेनिल वलारिवन और मनु भाकर और तमाम एथलीट्स ने वहां पर भी गोल्ड मेडल जीतने का अपना सिलसिला जो है उसे जारी रखा। देन पीवी सिंधु विल बी द फ्लैग बीरर ऑफ इंडिया इन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो 4 अप्रैल को राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई, जिसका मोटो रखा गया शेयर द ड्रीम गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और इसका उन्होंने फ्लैग बीरर जो है हमारे इंडिया की तरफ से हमारे दल का झंडे बरदार फ्लैग लेकर सबसे आगे कौन रही, पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन की बहुत बड़ी प्लेयर है। देन लुइस हैमिल्टन विंस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, तो मर्सिडीज ड्राइवर फॉर्मूला 1, दुनिया में सबसे तेज गाड़ी कौन सी चलती है, फॉर्मूला 1 की गाड़ी चलती है, और मर्सिडीज टीम के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री जो है वो रिकॉर्ड 7वें बार जीता। देन अवार्ड एंड ऑनर की बात करें, पुरस्कार और सम्मान की बात करें, तो इसी मार्च महीने में प्रिस्कर प्राइज आर्किटेक्चर फील्ड का, जिस प्राइज को नोबेल प्राइज बोला जाता है, तो प्रिस्कर प्राइज हमारे एक इंडियन को और फर्स्ट इंडियन को मिला, जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज दिया गया, जिसका नाम है प्रिस्कर प्राइज। देन शत्रुघ्न सिन्हा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया यूके गवर्नमेंट के द्वारा, और एक्टिंग के लिए और सिनेमा में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया यूनाइटेड किंगडम में। देन गोदावरी गौरव अवार्ड टू अमोल पालेकर, तो वेटरन एक्टर अमोल पालेकर, जो पुरानी मूवी गोलमाल है जिसमें वो दोनों जुड़वा बने थे, तो अमोल पालेकर बहुत ही फेमस एक्टर डायरेक्टर, उनको गोदावरी गौरव अवार्ड दिया गया। कहां पर, तो महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर। देन शुनियाटा विंस इंटरनेशनल अवार्ड इन यूएस, तो यूएस के अंदर इंटरनेशनल अवार्ड जो है, शुनियाटा एक छोटी सी मूवी, एक्टर जैकी श्रॉफ की 22 मिनट की एक फिक्शन शॉर्ट फिल्म शुनियाटा को बेस्ट इंडिया का शॉर्ट फिल्म अवार्ड दिया गया लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर। देन जीडी बिरला अवार्ड फॉर डॉक्टर राजन शंकर नारायणन, तो डॉक्टर राजन शंकर नारायण हैज रिसीव द 27th जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर द ईयर 2017 बाय यूजिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो यहां पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया, और जीडी बिरला अवार्ड साइंस के लिए दिया जाता है वो किनको मिला, डॉक्टर राजन शंकर नारायणन को मिला। देन रॉबर्ट लैंगलैंड विंस एबल प्राइज, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज बोला जाता है एबल प्राइज को, और कैनेडियन मैथमेटिशियन, कैनेडियन गणितज्ञ रॉबर्ट लैंगलैंड को ये वाला प्राइज मिला। देन सरदार पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद रिसीव्स द मोस्ट इंप्रूव्ड एयरपोर्ट अवार्ड, तो सरदार पटेल एयरपोर्ट जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद के अंदर, इनको बेस्ट इंप्रूव्ड
एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया इन द एशिया पैसिफिक रीजन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा. देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्स गैलेंट्री अवार्ड्स, वीरता पुरस्कार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली प्रदान किए राष्ट्रपति भवन के अंदर. द लिस्ट ऑफ अवार्ड इज कीर्ति चक्र, कमांडेंट चेतन कुमार चीता, मेजर डेविड मालून, मेजर विजयंत बिष्ट, शौर्य चक्र एन के चंद्र सिंह, मेजर सतीश दहिया, कांस्टेबल मंजूर अहमद नायक, सर्जेंट खैरनार मिलिंद किशोर, कॉर्पोरल नीलेश कुमार नयन, असिस्टेंट कमांडेंट चंदन कुमार और लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार शर्मा को उत्तम युद्ध सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा और लेफ्टिनेंट जनरल सतेंद्र कुमार सैनी को दिया गया. तो ये अवार्ड बड़े इंपॉर्टेंट. बुक्स एंड ऑथर्स की तरफ चलें तो फुलफिलिंग बुक्स एंड ऑथर्स किताब और उनके लेखक कुछ रिसेंट मार्च महीने में जो लॉन्च हुए फुलफिलिंग्स बापूज ड्रीम, मतलब बापू राष्ट्रपति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू, तो फुलफिलिंग्स बापूज ड्रीम पीएम मोदी ट्रिब्यूट टू गांधी जी. So President Ramnath Kovind has received the first copy of the book Fulfilling Bapu's Dream, PM Modi's Tribute to Gandhiji from Sadhguru Jaggi Vasudev who released it at Rashtrapati Bhavan. Then a tribute to Jaggu, Sri Lankan tribute to Jagmohan Dalmia. Jagmohan Dalmia, former president of BCCI, jinka dehant hua tha recently. So Cricket Association of Sri Lanka felicitated former BCCI president Jagmohan Dalmia by releasing a book named A Tribute to Jaggu. So Sri Lankan cricket ne जगमोहन डालमिया को सम्मानित करने के लिए एक बुक लॉन्च किया जिसका नाम अ ट्रिब्यूट टू जग्गू, जग्गू स्टैंड्स फॉर जगमोहन डालमिया. देन इंडियन आर्मी रिलीजेस बुक परमवीर परवाने. इंडियन आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत हैज रिलीज्ड अ बुक परमवीर परवाने ऑन द ब्रेवरी ऑफ परमवीर चक्र अवार्डीज. द बुक कंटेनिंग शॉर्ट स्टोरीज पोएम्स एंड सॉन्ग्स हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर प्रभा किरण जैन. देन ऑबिचरीज, तो लास्ट सेक्शन हमारा आज का ऑबिचरीज, शोक समाचार जिनकी डेथ हुई है उनसे बात करते हुए तो आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे. सूफी सिंगर प्यारे लाल वडाली पासेस अवे, बहुत ही फेमस पंजाबी सिंगर सूफी सिंगर प्यारे लाल वडाली, वडाली ब्रदर्स में सबसे छोटे भाई जो हैं प्यारे लाल, दो भाई हैं एक सीनियर वडाली और जूनियर वडाली. और वेटरन सूफी सिंगर उस्ताद प्यारे लाल वडाली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 75 और ये वडाली ब्रदर्स के नाम से जाने जाते थे. देन जॉन सल्स्टन पासेस अवे, जिनोम पायनियर सर जॉन सल्स्टन हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 75. He got Nobel Prize in 2002 for doing innovations in the cancer research. Cancer research के लिए 2002 में इनको Nobel Prize भी मिला था. John Sulston, इनकी death हुई है. Then Begum Hamida dies at 101 year. 101 years की Begum Hamida, former Rajya Sabha member and a support of women empowerment, Begum Hamida died at the age of 101. Then scientist Stephen Hawking passes away. मतलब बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिनकी बहुत ही फेमस बुक रही अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, इस तरह की तमाम किताबों को उन्होंने लिखा, उनके ऊपर मूवी भी आई. और स्टीफन हॉकिंग्स जो फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता खगोल विज्ञानी, उनका निधन हुआ रिसेंटली एट द एज ऑफ 76. देन पोएट केदारनाथ पासेस अवे, अभी कुछ साल पहले 2013 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया था. और हिंदी के पोएट हिंदी के कवि केदारनाथ सिंह का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है. Then veteran journalist V. Shri Harsha died. Veteran journalist Vaturi Shri Harsha died due to cardiac arrest in New Delhi. He had worked with the Indian Express, Pioneer and Deccan Chronicle. और इसी के साथ आज का ये जो न्यूज सेगमेंट है मार्च महीने की सारी खबर जो है वो समाप्त होती है. इसका PDF आपको थोड़ी देर में इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा और आप इसका PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर और मेक माई एग्जाम ब्लॉग के ऊपर भी आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. और इसी के साथ आप अपने क्वायरीज और क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और हम उसके आंसर्स देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. और कल हमारी मुलाकात होगी सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स द वेकअप शो के साथ, जहां पर हम आज का और कल के न्यूज को जरूर कवर करेंगे. तो इसी के साथ हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.